जनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से चीजें क्या कही जा रही हैं वो ध्यान से देखा करो, फिर क्वेश्चन आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन गेट के करा दूंगा, देखना कितने इजी से। एक ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है, इसमें एन नॉट और पी नॉट कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे। अब आपने क्या किया, ऑप्टिकल जनरेशन रेट, अभी इसको मैं डिफाइन करूंगा, आपने इस पूरे सेमीकंडक्टर को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया। ऐसा नहीं कि एक एंड पे इल्यूमिनेट किया, जैसे पिछले केस में हम पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक एंड पे हमने क्या किया, केवल हमने एक एंड पे हमने इल्यूमिनेट किया। एक एंड पे इल्यूमिनेट करने से कैरियर एक एंड पे जनरेट हुए, तो एक्सेस में कैरियर आ गए तो एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, बाकी जगह कम, बाकी जगह इक्विलिब्रियम वाला, तो वहां पर डिफ्यूजन फ्लो हो रही थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूरे सैंपल को यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो हर जगह जो ऑप्टिकल जनरेशन रेट होगा, जो एक्सेस कैरियर जनरेट होंगे ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से, वो हर जगह यूनिफॉर्मली जनरेट होंगे, तो कहीं पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। यहां डेल्टा एन बढ़ेंगे तो यहां भी डेल्टा एन, यहां भी डेल्टा एन, यहां भी डेल्टा एन, तो देखोगे कहीं भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं आएगा, तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। तो हम उसके बारे में, हमने यूनिफॉर्मली इसको इल्यूमिनेट किया विद ऑप्टिकल जनरेशन रेट जीओपी गिवन होता है, जी ऑप्टिकल जनरेशन रेट ऑप्टिकल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जब भी एक कितना, ये हमेशा ईएचपी में गिवन होगा, एक एच न्यू आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कंडक्शन बैंड में और एक होल जनरेट करेगा वैलेंस बैंड में। इसीलिए ये जनरेशन रेट हमेशा गिवन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये जनरेट कर रहा है पर सेकंड, जीओपी कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहा है ये पर सेकंड, उसी में इसका वैल्यू गिवन होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन होल पेयर इट इज जनरेटिंग पर सेकंड, ठीक है, हमेशा इसका दिया रहेगा। तो जीओपी से आपने इल्यूमिनेट किया, क्या होगा उसकी इक्वेशन मैं लिखता हूं, फिर डेरिवेशन कर लेंगे, डेरिवेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल कोर्स में तो इसको एकदम सर्जरी करके एक एक पॉइंट डिराइव करके दिखाएंगे, अभी जितना जरूरी है मैं उतना पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने जनरेशन किया, ऑप्टिकल लाइट इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे फॉल करना शुरू किया। अब यहां ध्यान से देखना, जब तक लाइट फॉल नहीं किया था, ये हमेशा किसी सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर फिक्स है तो थर्मल जनरेशन रेट होता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी फिक्स है तो थर्मल एनर्जी पे कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उस थर्मल एनर्जी पे फिक्स है, तो यही थर्मल जनरेशन रेट है कि पर सेकंड कितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। और इक्विलिब्रियम पे ये ni स्क्वायर इज इक्वल टू n नॉट p नॉट होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन n नॉट p नॉट पहुंच गया, तो n नॉट p नॉट पहुंच गया तो ये जनरेशन वो इस समय रिकम्बिनेशन रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू n नॉट p नॉट एन अल्फा आर एन नॉट पी नॉट, और ये रिकम्बिनेशन और जनरेशन इक्वल हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में और कंसंट्रेशन एन नॉट पी नॉट है, मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जीओपी आपने ऑप्टिकल लाइट फॉल करना शुरू किया, इसके बाद ऑप्टिकल लाइट फॉल करना शुरू किया तो कैरियर जनरेट होना शुरू हुए। अब ऑप्टिकल लाइट जीओपी इनिशियली फॉल करोगे तो बहुत सारे कैरियर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हुए, जैसे ये जनरेट होना शुरू होंगे आपका एन नॉट से बढ़ जाएगा, एन नॉट प्लस डेल्टा एन होने लगेगा, पी नॉट पी से बढ़ के पी नॉट प्लस डेल्टा पी होने लगेगा, है ना। तो जैसे ये बढ़ेंगे कंसंट्रेशन, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ने लगेगा, क्योंकि रिकम्बिनेशन रेट किसी भी टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन और होल हैं उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, है ना, तो रिकम्बिनेशन रेट बढ़ने लगेगा। अब यहां ऑप्टिकल जनरेशन एक और आ गया, एक थर्मल जनरेशन की वजह से तो जनरेशन हो ही रहा है और उसको बैलेंस पहले किया था रिकम्बिनेशन, लेकिन अब आपने एक एक्स्ट्रा जनरेशन रेट लगाया तो इसकी वजह से इनिशियली जनरेशन रेट ज्यादा, इक्विलिब्रियम जनरेशन की तरफ शिफ्टेड है तो जनरेशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या जनरेट होते होते इनफाइनाइट कैरियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे ये जनरेशन की वजह से कैरियर ऐड होंगे एन नॉट और पी नॉट में, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ना शुरू होगा, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ना शुरू होगा तो इनिशियली तो जनरेशन डोमिनेट करेगा, धीरे धीरे रिकम्बिनेशन बढ़ेगा, ये और बढ़ा 100। अब जैसे मान लो एन नॉट था और पी नॉट, यहां से दिखाता हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा, यह जनरेशन है और ये जनरेशन है और ये रिकम्बिनेशन है इस तरफ, है ना, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन, आपने बढ़ाना शुरू किया। अब ऑप्टिकल, मान लो ऑप्टिकल अभी रिकम्बिनेशन रेट क्या था, जनरेशन रेट मान लो एक थर्मल जनरेशन रेट है, यहां से समझो बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें, थर्मल जनरेशन है अभी तक, थर्मल जनरेशन में मैं मान लेता हूं 300 जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जनरेट होके यहां भी हो रहे थे और 300 आ रहे थे तब, इस समय इक्विलिब्रियम था, रिकम्बिनेशन रेट 300 था। अब जैसे आपने क्या जनरेट, जीओपी को भी ऐड कर दिया, मान लो ये 200 इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट करने लगा, 200 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड, ये 300 करता था थर्मल, ये तो 300 ही करता रहेगा, जैसे इसने 200 किया अब यहां कितने जाने लगे पर सेकंड, 500 जाने लगे पी नॉट एन नॉट, ठीक है। जैसे
ये 200 ऐड हुआ, यहां 200 ऐड हुआ, ठीक है 200 ऐड हुआ क्योंकि 200 इनसे और ऐड कर दिए ऑप्टिकल ने। तो क्या जैसे ये ऐड हुए तो अब रिकम्बिनेशन रेट तो इनके प्रोडक्ट पे एन नॉट पी नॉट पे 300 था, लेकिन अब इस पे कुछ और होगा, इस पे कुछ और बढ़ जाएगा पहले से, बढ़ के मान लो अब ये क्या हो गया 350 हो गया, 350 हुआ तो यानी कि 200 एक्स्ट्रा गए थे जो ये 200 उसमें से 50 और आ गए, 300 ने तो 300 को बैलेंस किया तो 150 ही बढ़े, तो इफेक्टिवली 150 बढ़ गए ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से अगर अभी देखें तो। अब फिर से 200 गए अगले टाइम में, 150 के बाद फिर से 200 एक्स्ट्रा जो मैं मान रहा हूं क्योंकि 300 तो 300 को बैलेंस कर ही रहा था, 200 एक्स्ट्रा गए तो एन नॉट प्लस 150 प्लस 200 और एक्स्ट्रा गए ऑप्टिकल की वजह से। तो अब देखो ये 350 टोटल बढ़े तो अब जो रिकम्बिनेशन रेट 300 से 350 हुआ था पी नॉट प्लस 200 पी नॉट प्लस 200 पे, अब वो और बढ़ जाएगा। अब यहां से क्या मान लो 400 आने लगेंगे, 400 आने लगेंगे, यहां से जा कितने रहे 500, मैंने उसको दिखाया नहीं, 500 जा रहे हैं इफेक्टिवली और बढ़ 200 रहे हैं इफेक्टिवली क्योंकि मैं 300 वाले को तो ये 300 बैलेंस कर दे रहा हूं, उसको ले नहीं रहा हूं। तो बेसिकली देखो 300 गए आप 500 गए और 400 आए, तो ये जो 200 की बढ़ोतरी ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से दिखाया था ये इफेक्टिवली 100 का ही रह जाएगा, 100 का ही रह जाएगा है कि नहीं, क्योंकि 500 गए और 400 आ गए तो 100 ही बढ़े एक तरह से। फिर से देखो ध्यान से, ये फिर से बढ़ेगा पी नॉट प्लस 150 प्लस 100 प्लस फिर से 200 से बढ़ेगा नेट ऑप्टिकल की वजह से, यहां भी 200 बढ़ेगा, लेकिन अगर यहां 450 आ गए तो 450 आ गए तो इफेक्टिवली कितना बढ़ने देंगे, इफेक्टिवली यहां 50 ही बढ़ने देंगे है ना, क्योंकि 300 प्लस 200 गए और यहां पे 450 वापस आ गए तो इफेक्टिवली 50 बढ़ेंगे तो 50 और बढ़ गए। तो इसी तरह से होते होते एक टाइम आएगा ये बढ़ते हुए, यहां से 500 तो जा ही रहे थे, अब यहां से 500 आएंगे तो उस समय इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम, टोटल जनरेशन रेट क्या ऑप्टिकल प्लस थर्मल जनरेशन रेट विल बिकम टू रिकम्बिनेशन रेट और वहां पे क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। और नेट कंसंट्रेशन अब ध्यान से देखो, अब नेट कंसंट्रेशन कितना पहुंच जाएगा पी नॉट प्लस, उसको मान लेते हैं डेल्टा पी जो ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से एक्सेस इक्विलिब्रियम में रीच हुए, अब ये कहीं पे रिकम्बाइन होने नहीं जा रहे, अब ये मेंटेन रहेंगे। और एन कितना हो गया एन नॉट प्लस डेल्टा एन, वेयर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एन, क्योंकि पेयर में बढ़ रहे। अब देखो ऑप्टिकल जनरेशन के ऐसे बढ़ते बढ़ते एक रिकम्बिनेशन धीरे धीरे बढ़ते उसको फॉलो करते इक्वल हो गया। अब ऑप्टिकल और थर्मल, अब लाइट आप कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे हो, हटा नहीं रहो इसमें, ये ध्यान रखना ऑप्टिकल लाइट कॉन्स्टेंटली फॉल करो, थर्मल जनरेशन की वजह से 500 जा भी रहे हैं और साइमल्टेनियसली 500 आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम रीच कर गया। और इक्विलिब्रियम में अब होल का कंसंट्रेशन इतना हो गया और इक्विलिब्रियम में होल इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, इतना हो गया कि नहीं, अब ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, यहां पे ना कोई डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्मली हर जगह पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो गया, यूनिफॉर्मली हर जगह कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का एन नॉट प्लस डेल्टा एन हो गया, ये यूनिफॉर्मली है ना। तो इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में हुआ क्या देखो, अब यही डेल्टा एन और डेल्टा पी का कैलकुलेशन आपको आता है, आपको पूछा जाता है। देखो आपने क्या किया था, जीओपी प्लस थर्मल जनरेशन रेट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में हुआ क्या था जब आपका एक्सेस कैरियर डेल्टा एन ऐड हो गए थे, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाले ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से, डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए पर सेंटीमीटर क्यूब और डेल्टा पी होल्स, जहां डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी, इक्विलिब्रियम में अब होल थ्रू आउट कंसंट्रेशन पी प्लस पी नॉट प्लस डेल्टा पी और पी एन नॉट प्लस डेल्टा एन मेंटेन्ड है, जहां डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ऑप्टिकल जनरेशन प्लस थर्मल जनरेशन रेट इक्विलिब्रियम जब पहुंचा तो क्या हो गया था, रिकम्बिनेशन रेट के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम पहुंचा रिकम्बिनेशन रेट के बराबर, ठीक है। तो जीओपी था आपका ऑप्टिकल, थर्मल जनरेशन रेट अल्फा आर एन आई स्क्वायर था, रिकम्बिनेशन रेट क्या होगा जब इक्विलिब्रियम पहुंचा था, आपने कहा कंसंट्रेशन अब हो गया डेल्टा एन जब इक्विलिब्रियम पहुंचा ये डेल्टा पी, जहां डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो रिकम्बिनेशन रेट कितना होता किसी टाइम पे, यही होता है इंटू पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अब ध्यान से देखना, यहां से आएगा अल्फा आर एन नॉट पी नॉट प्लस अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट इंटू डेल्टा एन या डेल्टा पी जो भी कह लो, डेल्टा एन कहो या डेल्टा पी, प्लस अल्फा आर डेल्टा एन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज कैंसिल, क्योंकि अल्फा आर एन नॉट पी नॉट जो इनिशियल एन नॉट इंटू पी नॉट था इक्वल टू एन आई स्क्वायर था, तो ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर हम कहें जो ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से जो डेल्टा एन और डेल्टा पी
आए हुए हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑप्टिकल जनरेशन इतना कर दो कि डेल्टा एन और डेल्टा पी एन नॉट और पी नॉट के कंपेरेबल हो जाएं। हम हमेशा लो लेवल इंजेक्शन कहते हैं कि हमने इतना लाइट फॉल किया था, इतनी इंटेंसिटी की लाइट कि जो डेल्टा एन और डेल्टा पी इक्विलिब्रियम में पैदा हुए एक्सेस कैरियर, दिस कैरियर कंसंट्रेशन इज मच मच लेस देन एन नॉट एंड पी नॉट, तो स्मॉल है, तो इस अल्फा आर एन नॉट डेल्टा एन स्क्वायर को इसके कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां एन नॉट पी नॉट इज वेरी वेरी हाई, तो एन नॉट पी नॉट इंटू डेल्टा एन, यहां पे डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन है, दैट इज वेरी स्मॉल, इसको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से बचा क्या, अगर ध्यान से देखो जीओपी इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट इंटू डेल्टा एन, और वन अपॉन अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट को मैंने क्या कहा था, यही होता है कैरियर लाइफ टाइम टाउ एन या टाउ पी। अगर नॉर्मल रिकम्बिनेशन ले रहे हो, कुछ नहीं कहा जाए, तो टाउ एन इज इक्वल टू टाउ पी होता ही है, क्योंकि नॉर्मल रिकम्बिनेशन होता है जब यहीं पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन टाउ एन या टाउ पी इज इक्वल टू जीओपी, तो यहां से डेल्टा एन इज इक्वल टू आ जाएगा जीओपी इंटू क्या, टाउ एन। अगर ऑप्टिकल जनरेशन रेट पता हो, कैरियर लाइफ टाइम पता हो इलेक्ट्रॉन की, तो मल्टीप्लाई करके ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन पैदा हुए इक्विलिब्रियम में वो पता कर सकते हो। इसी तरह से डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, ये इसी डेल्टा पी को लिख सकते हो जीओपी इंटू क्या, टाउ पी, तो जीओपी इंटू टाउ पी, तो टाउ एन इज इक्वल टू टाउ पी होना चाहिए, तभी डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी। सिंपली तो नॉर्मल, हम जब तक कुछ ना कहा जाए तो हम नॉर्मल रिकम्बिनेशन मानते हैं, कैरियर लाइफ टाइम सेम लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आप कुछ सेमीकंडक्टर में डिफेक्ट्स होते हैं, तो ये टाउ एन टाउ पी डिफर कर सकते हैं। अगर टाउ एन टाउ पी डिफर करेंगे तो ये डेल्टा एन और डेल्टा पी भी अनइक्वल होंगे, जीओपी इंटू टाउ एन ले लेना फिर उसको, और डेल्टा पी को क्या ले लेना, जीओपी इंटू टाउ पी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नॉर्मल रिकम्बिनेशन में टाउ एन इक्वल टू टाउ पी, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी। अगर नॉर्मल रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट हो जाते हैं, तो कुछ कैरियर मेटा स्टेबल स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए रह जाते हैं, तो कैरियर लाइफ टाइम अनइक्वल आ जाते हैं, तो वहां पे डेल्टा एन निकालना है तो टाउ एन से, डेल्टा पी निकालना है तो टाउ पी से, जीओपी में मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेस कैरियर्स आपके आ जाएंगे जो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली जनरेट हुए हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो यहां पे जो रिकम्बिनेशन जनरेशन का प्रोसेस है, कैसे होता है, वो कैसे फॉलो करता है, वो समझोगे तो ये सब चीजें एनालाइज करना, विजुलाइज करना बहुत ईजी है। इसको मैंने थोड़ा सा कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करा, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। डिटेल कोर्स में मैं एक एक पॉइंट लेके एकदम 10-15-20 मिनट इसी चीज को केवल इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपके एकदम सारे जो पॉइंट्स है ना, जो आपकी थॉट है, सारे खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जीओपी इंटू टाउ एन करना, जीओपी इंटू टाउ पी जो ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से एक्सेस कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं जो इक्विलिब्रियम में, डेल्टा एन या डेल्टा पी, और ये कैरियर लाइफ टाइम का जनरल फार्मूला, वन अपॉन अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट। अगर ये एन टाइप है तो पी नॉट को निग्लेक्ट कर सकते हो फॉर अप्रोक्सीमेशन, पी टाइप है तो एन नॉट को निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एन नॉट इज मच मच ग्रेटर देन पी नॉट इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड पी टाइप पी नॉट इज मच मच ग्रेटर देन एन नॉट, मैंने जनरल निकाल के कर दिया। ठीक है, अब इन जितने कॉन्सेप्ट अभी आपने तीनों पढ़े, इस पे मैं जा रहा हूं आपको क्वेश्चन करवाने, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अब गेट के क्वेश्चन हम उठाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो इस जितने टॉपिक अभी आपने पढ़े ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन, उसको अब क्वेश्चन के फॉर्म में मैं थोड़ा आपको एक इनलाइट कर देता हूं, तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एन एन टाइप सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड विद लाइट विच जनरेट्स, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया है जो जीओपी आपका गिवन होगा, जो जीओपी वाला केस था, विद लाइट विच जनरेट्स 10^20 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको जीओपी गिवन है, जीओपी हमेशा पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्योंकि आप हमेशा कंसेंट्रेशन में इंटरेस्टेड रहते हो, है ना, तो ये है आपका 10^20 पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, एक सेकंड में एक सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसका जनरेशन रेट है जो हमने पढ़ा था ऑप्टिकल प्लस वो थर्मल मिलके, जब रिकम्बिनेशन रेट ऑप्टिकल जनरेशन रेट जैसे ऐड किया, बढ़ने लगा कंसंट्रेशन, तो क्या हमेशा बढ़ता रहेगा थर्मल और ऑप्टिकल दोनों, थर्मल वाले को तो बैलेंस कर रहा था रिकम्बिनेशन, जैसे ये बढ़ना शुरू होगा रिकम्बिनेशन उसको फॉलो करना शुरू करेगा, एक इक्विलिब्रियम है, ये बढ़ना शुरू हुआ तो ये पीछे से उसको फॉलो अप करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इनिशियली रिकम्बिनेशन कम होगा, फॉलो करते करते जब ये ऑप्टिकल प्लस थर्मल जनरेशन के टोटल जनरेशन रेट के इक्वल हो जाएगा रिकम्बिनेशन, तो उस समय स्टेडी स्टेट आ जाएगा, उस समय ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से डेल्टा एन और डेल्टा पी स्टेडी स्टेट में कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एन एंड डेल्टा पी बोथ आर इक्वल, एंड डेल्टा एन इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू जीओपी इनटू टाउ एन या जीओपी इनटू टाउ पी।
द माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम इन द सैंपल इज 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। एन टाइप है तो ये किसका दिया है, टाउपी गिवन है, तो हमें माइनॉरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि मेनली डिफ्यूजन अगर होगा तो इन्हीं का होगा, बाकी तो अगर एक तरफ कर रहे हैं तो हम माइनॉरिटी में नॉर्मली ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जितने यहां पे माइनॉरिटी जनरेट होंगे उतने मेजोरिटी भी जनरेट होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली ऑप्टिकली किया है, लेकिन अगर एक एंड पे करते हैं तो डिफ्यूजन मेनली माइनॉरिटी का होता है, मेजोरिटी का नहीं होता, उसका रीजन बनाया था क्योंकि वो डीके रेट उसका ही डीपी बाई डीएक्स ज्यादा हो गया, डीएन बाई डीएक्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम यहां पे टाउपी इन स्टडी स्टेट द होल कंसंट्रेशन इन द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^(x). In the study, the whole concentration in the sample is where x is integer, the value of x is equal to, ठीक है। अब ध्यान से देखो, n type semiconductor था तो initial concentration of holes p naught will be very very less than n naught, तो उसको उन्होंने काउंट एक तरह से नहीं किया, क्योंकि कहीं ना तो n की वैल्यू गिवन है ना तो ni की वैल्यू गिवन है, कि इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन था p naught विदाउट ऑप्टिकल जनरेशन वो आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सेस कैरियर कितने जनरेट हुए ड्यू टू ऑप्टिकल जनरेशन डेल्टा पी वो आप पता कर सकते हो, डेल्टा पी और डेल्टा एन, डेल्टा पी जनरेट होंगे होल्स और डेल्टा एन जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और नॉर्मली दोनों पेयर में जनरेट होते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल रिकम्बिनेशन हम ले रहे हैं तो टाउएन इज इक्वल टू टाउपी होता है, तो टाउपी दिया है तो यही टाउएन हो जाएगा, तो जीओपी इंटू टाउएन इज इक्वल टू जीओपी इंटू टाउपी इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो एक्सेस होल्स थ्रू आउट मटेरियल में कितने जनरेट हुए ड्यू टू ऑप्टिकल जनरेशन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने जनरेट हुए स्टडी स्टेट में, ये नहीं कि टी इक्वल टू जीरो पे किया और यूनिफॉर्मली जनरेट हो रहे हैं, अब टोटल कंसंट्रेशन होल का पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो जाएगा स्टडी स्टेट में, इलेक्ट्रॉन का एन नॉट प्लस डेल्टा एन, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो कहीं पे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, डिफ्यूजन और ये सब चीजें नहीं होंगी, तो डेल्टा पी कितना होगा देखो ध्यान से, जीओपी इंटू टाउपी होता है 10^20 इंटू 1 माइक्रोसेकंड, लेकिन ये पर सेकंड है, 10^(-6) क्या कर दो, -6 कर दो, तो यहां से ये 10^20 पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां सेकंड आया, सेकंड कैंसिल, बचेगा क्या पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कंसंट्रेशन आ गया कि नहीं, ये आ गया 10^14 पर सेंटीमीटर क्यूब डेल्टा पी, और इनिशियल पी नॉट विल बी वेरी वेरी लेस, अगर आप प्रैक्टिकल एन टाइप का देखो सेमीकंडक्टर, तो जो एन नॉट का ऑर्डर होता है 10^15 ऑर्डर का, और जो पी नॉट का ऑर्डर होता है, जो नॉर्मली इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन 10^10 ऑर्डर का होता है, और इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन से भी कम हो जाता है होल का कंसंट्रेशन एन टाइप में, तो ये 10^7 10^8 का ऑर्डर का होगा, तो पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो जाएगा टोटल कंसंट्रेशन, वो 10^7 10^8, अगर मैं कहूँ 10^8 प्लस 10^14 करो तो ये आएगा कितना 1.000001 इंटू 10^14 आएगा, इससे कोई फर्क पड़ा क्या 10^8 ऐड करने से, इसको यहां लिख सकता हूं 0.00001, ये लिख के मैं 10^14 लिख सकता हूं, तो इतना आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 10^14 कह सकते हो कि नहीं, तो डेल्टा पी जो एक्सेस कैरियर जनरेट हुए ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से जितने एक्सेस कैरियर ऐड किए, और थ्रू आउट इस एक्सेस कैरियर को यूनिफॉर्मली ऐड किया, तो कोई डिफ्यूजन ओफ्यूजन नहीं होगा, हर जगह डेल्टा पी ऐड हो गए, जबकि हम एक इंड पे ऐड करते थे तो यही डिफ्यूजन बनते थे, अगर लगातार गिराते रहते तो डिफ्यूजन कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता था, कंटिन्यूअस एक प्रोफाइल एक्स के रूप में बन जाती थी, और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमेशा करती थी, लेकिन केवल थोड़े टाइम के लिए गिरा के हटा लिया तो हटाने के बाद वो टाउएन के फॉर्म में कैरियर लाइफ टाइम के फॉर्म में घटते घटते क्या हो जाते थे, कुछ टाइम बाद जीरो हो जाते थे, तो कुछ टाइम के लिए डिफ्यूजन करंट होती थी, तो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग एनालाइज करना, तो डेल्टा पी इतना आ गया, यही टोटल कंसंट्रेशन हो गया होल्स का, और 10^(x) कह रहा है, x की वैल्यू फिर क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 भर दोगे 10^14, तो क्यों अप्रोक्सीमेट लिया गया, क्या लिया गया, चीजों को पढ़ते हो तो एनालाइज किया करो, क्यों ऐसा कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि जब अगला क्वेश्चन आए ना तो हर चीज तुम्हें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसमें सोचने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, गेट में अभी रिसेंटली आया हुआ है, 16 या 17 में आया हुआ है, 2 नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स किया और कुछ नहीं किया, ध्यान से देखना, कंसीडर ए सिलिकॉन, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रू आउट जाऊंगा, कैसे आ रहा है सोल्यूशन निकालना मत सीखो, चीजों को अप्लाई करना सीखो, चीजें बहुत सिंपल होती हैं अगर अप्लाई कर तो, कंसीडर ए सिलिकॉन सैंपल एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है, कंसीडर कर लिया, विद यूनिफॉर्म डोनर डेंसिटी एनडी की वैल्यू गिवन है, नोट कर लेते हैं, देखते हैं एग्जाम काम आएगा, तो क्या है
5 × 10⁻⁙ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किस टाइप का है? एन टाइप का सेमी कंडक्टर, क्योंकि डोनर ऐड किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इल्यूमिनेटेड यूनिफॉर्मली सच दैट, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट किया ऑप्टिकल लाइट, तो एक्सेस कैरियर्स जनरेट होंगे। स्टडी स्टेट में डेल्टा एन एंड डेल्टा पी कितना, जीओपी इंटू टाउ एन या जीओपी इंटू टाउ पी, विद जनरेशन रेट जी ऑप्टिकल दिया है, ये भी नोट कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, क्याली क्वेश्चन, पढ़ना ध्यान से है, बड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर बड़ा सा सिंपल सा आएगा। पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इतना जनरेट कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट यूनिफॉर्मली। द इंसिडेंट रेडिएशन इज टर्नड ऑफ एट टी इज इक्वल टू जीरो, पहले इनिशियली इल्यूमिनेट किया काफी टाइम तक, तो यूनिफॉर्मली डेल्टा एन और डेल्टा पी ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से जनरेट हो गए होंगे, और इनिशियली तो एन डी के हिसाब से एन नॉट और पी नॉट होंगे, एन नॉट इतना होगा और एन आई स्क्वायर अपन एन डी क्या होगा, पी नॉट होगा। अज्यूम द लो लेवल इंजेक्शन टू बी वैलिड, मतलब जो एक्सेस कैरियर आपने जी ऑप्टिकल की वजह से जनरेट किए थ्रू आउट पहले यूनिफॉर्मली लिमिट करके डेल्टा एन और डेल्टा पी, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे कंपेयर टू एन नॉट एंड पी नॉट, ठीक है, एन नॉट के कंपेयर में। मेजोरिटी कैरियर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं इंजेक्शन, माइनॉरिटी तो ऑलरेडी कम है, तो उसमें थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो कंपेरेबल होगा। किसके कंपेयर में, मेजोरिटी कैरियर के कंपेयर में लो लेवल इंजेक्शन है, मेजोरिटी आर वेरी हाई एंड दिस इंजेक्शन इज वेरी लो, है ना। टू बी वैलिड एंड इग्नोर सर्फेस इफेक्ट, द कैरियर लाइफ टाइम, देखो यहां अलग कर दिया है, टाउ पी नॉट दिया है 0.1 माइक्रोसेकंड एंड टाउ एन नॉट दिया है आपका, दोनों दिया है, आप दोनों में से क्या यूज करना है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसी में कई आंसर दिए हैं तो वहां पे आंसर वेरी इसीलिए कर रहा होगा इस कैरियर लाइफ टाइम की वजह से। तो ये बहुत आपके साथ माइंड गेम खेलते रहते हैं आपके। द होल कंसंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड द होल कंसंट्रेशन एट टी, देखना आप ध्यान से, जब तक लाइट कॉन्स्टेंटली फॉल करा आपने पहले टी बहुत इनफाइनाइट टाइम तक, फिर टी इज इक्वल टू जीरो बैठा, उसके बाद की स्टडी करनी है। जस्ट लाइक आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो नेटवर्क में, आप कहते हो ना बहुत टाइम तक वोल्टेज लगा के रखा, आप सडनली टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को ओपन या स्विच को क्लोज कर दिया, पहले बहुत टाइम तक क्लोज रखा फिर ओपन कर दिया टी इज इक्वल टू जीरो पे, या बहुत टाइम तक ओपन रखा फिर क्लोज कर दिया, तो ट्रांजिएंट आता। तो उसके पहले की कंडीशन देख लेते हैं, और टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पे जो चीज होगी वही टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे होती, वही चीज यहां भी वैलिड है। ध्यान से चीजों को देखा करो, तो बहुत टाइम तक इल्यूमिनेट किया टी इज इक्वल टू जीरो पे हटाया, तो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेट करते हैं तो ऑप्टिकल जनरेशन रेट की वजह से डेल्टा एन कितना जनरेट होता है, जीओपी इंटू क्या होगा, टाउयन होगा, अगर अनइक्वल है नॉर्मली, नॉर्मल रिकम्बिनेशन में सारे जीओपी इंटू टाउपी होता है, ठीक है, अगर अनइक्वल है कैरियर लाइफ टाइम तो इस रेशियो में जनरेट होंगे, अगर नॉर्मली इक्वल होते हैं क्योंकि नॉर्मल रिकम्बिनेशन में, तो टाउयन इज इक्वल टू टाउपी, तो दोनों पेयर में जनरेट होते हैं, लेकिन यहां अनइक्वल दिया है तो हमें डेल्टा पी से मतलब है होल का कंसंट्रेशन पूछा है, तो जीओपी लिख लेते हैं कितना, 1.5 × 10⁻²० मल्टीप्लाइड बाई टाउपी कितना है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो सेकंड कैंसिल करने के लिए इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 0.1 × 10⁻⁶ सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, पर सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, 10⁻⁷ है तो बचेगा 1.5 × 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एट टी इक्वल टू जीरो पे, जीरो माइनस पे इतने हो चुके होंगे तब आपने हटाया, यूनिफॉर्मली हटा दिया, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है इन ए या बी में से सही है, ध्यान से देख लेते हैं हम, देखो आंसर आता जा रहा है। अब देखो क्या होगा, जैसे आपने लाइट हटाया, अब अगर मैंने आपको जो चीज समझाई थी अगर वो आपने समझा है, तो क्वेश्चन को देखो इन डेप्थ में जाते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, देखो कैसे चीजें होती हैं, तब आपको सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा, नहीं तो ये बहुत सब बोरिंग लगता है। अब आपने पहले ऑप्टिकल जनरेशन था और एक थर्मल जनरेशन, तो कैसे स्टडी स्टेट में डेल्टा एन और डेल्टा पी जनरेट होते थे, ऑप्टिकल जनरेशन की वजह से बढ़ना शुरू हुआ डेल्टा, अब धीरे 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 बढ़ते गए और रिकम्बिनेशन उसको फॉलो करता गया, तो एक टाइम आया जब आपका ऑप्टिकल जनरेशन प्लस थर्मल जनरेशन का टोटल जनरेशन रेट रिकम्बिनेशन रेट के बराबर आ गया। अचानक से ऑप्टिकल जनरेशन हटा लोगे तो थर्मल जनरेशन बढ़ेगा और रिकम्बिनेशन रेट तो अभी जो कंसंट्रेशन एग्जिस्टिंग है एन नॉट प्लस डेल्टा एन, एन पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ये अब ज्यादा हो जाएगा जनरेशन से, क्योंकि अभी जीओपी प्लस अल्फा आर एन आई स्क्वायर बराबर था अल्फा आर एन नॉट प्लस डेल्टा एन इंटू एन पी नॉट प्लस डेल्टा पी। जैसे जीओपी हटा लोगे अब ये वाली चीज इससे ज्यादा होगी कि नहीं, अल्फा आर एन आई स्क्वायर से वो ज्यादा हो गई, मतलब रिकम्बिनेशन होने लगेंगे, रिकम्बिनेशन होने लगेंगे तो तेजी से जो ये डेल्टा एन और डेल्टा पी क्या होंगे, घटेंगे टाइम के साथ, और घट के इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ये डेल्टा एन और डेल्टा पी जीरो हो चुके होंगे, फिर से अल्फा आर एन आई स्क्वायर अल्फा आर एन नॉट पी नॉट के बराबर हो जाएगा, फिर से यूनिफॉर्म सैंपल
एग्जाम्पल पुराना वाला हो जाएगा जो इल्यूमिनेशन के पहले था। तो अब घटेंगे तेजी से, तो टाइम के रिस्पेक्ट में घटने का क्या होता था, आप ध्यान से देखो क्या होता था, डेल्टा पी का करना है। तो अब धीरे धीरे घटेंगे, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ेगा तो ये तेजी से घटेंगे, तेजी से घटेंगे तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज जो हमने डी डेल्टा पी टी बाई अपॉन डेल्टा टी से किया था, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी रेशियो में घटते हैं जो एक्सेस कैरियर हैं, रिकम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगा, फ्लो होंगे। अब यहां पे जरूरी नहीं कि डिफ्यूजन के रेशियो में फ्लो होंगे क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम क्या करते थे, एक इंट पे करते थे तो वो डिफ्यूज भी होते थे और रिकम्बाइन साथ में होते थे और घट के एक टाइम जीरो हो जाते थे। अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है तो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, लेकिन रिकम्बिनेशन रेट तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि जनरेशन कम हो रहा है। आप ज्यादा तेजी से ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, होल को कम करने लगेंगे और रेट ऑफ डिके जब निकालोगे आप तो यहीं से आएगा, इक्वेशन तो वही लिखोगे ना, अल्फा आर एन नॉट प्लस डेल्टा एन डेल्टा एन टी प्लस अल्फा एन नॉट इनटू पी नॉट प्लस डेल्टा पी टी डी बाय डेल्टा पी टी अपॉन डी टी, जो रेट ऑफ चेंज अल्फा आर एन आई स्क्वायर जनरेशन है, ये रिकम्बिनेशन है। तो यहां से जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो डी डेल्टा पी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा आर एन आई स्क्वायर जनरेशन माइनस अल्फा आर एन नॉट आपका आएगा एन नॉट प्लस डेल्टा एन टी पी नॉट प्लस डेल्टा पी टी। तो यहां से फिर से वही इक्वेशन बनेगी जो डेल्टा पी टी की, डेल्टा पी टी का जब इक्वेशन लिखोगे तो यही आएगा, डेल्टा पी टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी, टाउ पी वन अपॉन अल्फा आर एन नॉट प्लस पी नॉट आएगा, वहां से अलग वैल्यू होगी। तो ये क्योंकि डिफेक्ट्स आ गए तो हमने विदाउट डिफेक्ट्स वाला इक्वेशन किया तो वहां पे टाउ पी अल्फा आर अपॉन एन नॉट पी नॉट होता है, लेकिन डिफेक्ट्स में वही टाउ पी बदल जाएगा लेकिन इक्वेशन तो उसी फॉर्म की आएगी। तो यही इक्वेशन बनेगी, जब भी टाइम के टर्म में डिक्रीज हो रहा हो एक्सेस कैरियर तो यही इक्वेशन यूज करना है। यहां क्यों उसको यूज कर रहे हैं ये इन डेप्थ आपको गया कि नहीं, आप कंफ्यूज ना होना कि वहां डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहां डिफ्यूजन नहीं होगा लेकिन रिकम्बिनेशन तो अभी भी रेट ज्यादा है तो घटेगा ही घटेगा, घटेगा तो या डेल्टा पी इनिशियल वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो पे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 ये घटेगा e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ पी की वैल्यू, अब टाउ पी लेना है 0.1 माइक्रो सेकेंड है 10 की पावर माइनस 6 और t इज इक्वल टू क्या है यहां पे 0.3 माइक्रो सेकंड में पूछा तो इसको माइक्रो सेकंड ले लेते हैं क्योंकि e की पावर में ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, रेशियो e की पावर में हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए तो ये ध्यान रखा करो 0.1 माइक्रो सेकंड 0.3 माइक्रो सेकंड तो e की पावर माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। अब e की पावर माइनस 3 की वैल्यू निकालना, आई थिंक ये वाला आएगा तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। तो वो क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उसको इन डेप्थ चीजों को रिलेट करोगे तो जो चीजें पढ़ाई है रिलेट करो बहुत मजा आएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम जरूर करके आओगे अगर ये चीजें समझ ली हैं बहुत इंटरेस्टिंगली। एक क्वेश्चन और लेता हूं जो एक्स के टर्म में हमने किया था, अगर स्टेडी स्टेट में लाइट फॉल करते ना एक इन पे तो एक्स के फॉर्म में जो प्रोफाइल बनती है अगर वो गिवेन हो तो डिफ्यूजन करंट मैंने कहा था वहां तो एक्स के फॉर्म में क्या हो गई कॉन्स्टेंटली प्रोफाइल बन गई अगर ये सेमीकंडक्टर है। जब तक लाइट होगी यहाँ पे डिफ्यूजन होता रहेगा और जो चार्ज कैरियर खत्म हो रहा है उनको पीछे से सप्लाई करो तो ये कॉन्स्टेंटली स्टेडी स्टेट में बना रहेगा और डिफ्यूजन करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी जब तक ये लाइट गिरा के ये प्रोफाइल बनाए रखोगे तो ये हमेशा होती रहेगी। तो उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है वो भी कर लेते हैं, चीजों को रिलेट कर देंगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ग्रेडियंट इन बैंड डायग्राम कैसे होता है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उस पर जो क्वेश्चन आए उनको भी समराइज कर दूंगा बहुत इंटरेस्टिंगली, फिर हम डायोड पे मूव कर जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको सिंपल होने वाली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम में आया हुआ आपका 2 नंबर का, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। और देखिए आधा पेज का क्वेश्चन है, आधे लोग तो क्वेश्चन पढ़ के ही घबरा जाएंगे जबकि 2 लाइन का सलूशन है, सिंपली यही होता है। कॉन्सेप्ट ना आने पे कैसे चीजें लेंदी लगती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी क्योंकि गेट में हर चीज क्लियर रखते हैं। एज शोन ए यूनिफॉर्मली डोप सिलिकॉन ये लिया गया है हर जगह थ्रू आउट सेम है, बार ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर, एल 0 से लेके एल ये लेंथ एल है, एल की वैल्यू 0.1 माइक्रोमीटर दे दी है कोई दिक्कत नहीं, विद ए डोनर कंसेंट्रेशन ऑफ एन डी इज इक्वल टू 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इल्यूमिनेट कर दिया एक इंड पे, अगर ध्यान से इज इल्यूमिनेटेड एट एक्स इज इक्वल टू 0 केवल एक इंड पे इल्यूमिनेट किया है तो वो वाला केस हो जाएगा जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सच दैट इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड एट रेट ऑफ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। अभी देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं कैसे अपने क्वेश्चन में वेयर जीएल नॉट इज दिस पर यूनिट पर सेकेंड, ठीक है, होल लाइफ टाइम इज 10^-4 सेकेंड,
होल डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट डीपी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड लो लेवल इंजेक्शन प्रिवेल्स अज्यूमिंग ए लिनियरली डिकेइंग स्टेडी स्टेट एक्सेस होल कंसंट्रेशन दैट गोज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू एल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू क्या होगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं, लाइट गिराना शुरू किया। अब अगर ध्यान से देखो, जो मैंने पिछला केस लिया था, मैंने जो पिछला केस लिया था उसको ध्यान से देखना, इसमें टाइम को भी इन्होंने थोड़ा सा घुसा दिया है। जो यहां पे स्टेडी स्टेट लाइट को अगर कॉन्स्टेंटली आप फॉल करते हो तो क्या होता था, मैंने कहा था एक्सेस कैरियर जनरेट होना शुरू होंगे, फ्लो होना शुरू होंगे, रिकम्बाइन होकर घटते जाएंगे, लेकिन पीछे से आप प्रोवाइड कर रहे हो तो एक ऑप्टिकल जनरेशन रेट आपने मेंटेन कर रखा है। तो मैंने कहा था उसका जब सोल्यूशन बनाओगे प्रैक्टिकल वाले का तो वो कुछ नहीं होता, यहां से ये वो एक्सपोनेंशियली घटता है। डेल्टा पी अगर मैं ले लूं इस इंड पे है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी के टर्म में धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। और चूंकि आपने ये लगातार जनरेशन को मेंटेन रखा है तो जो घट रहा है उसको पीछे से सप्लाई कर रहा है, तो स्टेडी स्टेट में ये एक्सपोनेंशियल प्रोफाइल मेंटेन रहेगी। जब ये मेंटेन रहेगी तो यहां डीपी बाई डीएक्स हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो यहां पे स्लोप होगा, यहां पे स्लोप होगा, यहां पे जहां जितना स्लोप होगा वहां उसी के रेशियो में डिफ्यूजन करंट होगी। अब मैं कहूं इस केस में डिफ्यूजन करंट बताओ, तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होती है, क्यू डीपी माइनस डीपी बाई डीएक्स। तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स अपान एल पी माइनस साइन के साथ वन अपान एल पी भी आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस क्यू डी पी डेल्टा पी बचेगा, है ना। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन करंट एट एनी एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे पूछा तो एल बाई टू वैल्यू इसमें रख दोगे, यहाँ पे एल पी की जगह एल होगा या जो भी होगा, यहाँ एल पी की जगह यहाँ पे एल गिवन है, ठीक है, तो यहाँ एल है, तो इस रेशियो में आपका क्या हो जाता, करंट निकल जाती डिफ्यूजन करंट एट एक्स इज इक्वल टू क्या, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो इन जनरल जैसे हमने सोल्यूशन बनाया था टाइम डोमेन में तो वो भी आया था e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एक्स डोमेन में भी हमने स्टेडी स्टेट में यही बनेगा। अगर थ्रू आउट हम कॉन्स्टेंटली लाइट को फॉल कर रहे हैं तो ये प्रोफाइल को वो मेंटेन करेगा, तो यहां से डिफ्यूजन करंट आ सकती थी क्योंकि ये एक्स के रेशियो में वेरिएबल प्रोफाइल है, एक्स के साथ डीपी बाई डीएक्स एग्जिस्ट करेगा तभी तक डिफ्यूजन करंट होती है, ये बताया था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या किया, जो जनरेट कर रहा है वो लीनियरली जनरेट कर रहा है, अगर ध्यान से देखो, और ये क्या है जनरेशन रेट है, इसमें पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, जबकि हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कहां से मिल जाएगा, देखो होल का जो जनरेशन पैटर्न था, जैसे हमने जो अभी खींचा था, चीजों को रिलेट करो, डेल्टा पी यहां कंसंट्रेशन था और वो एक्सपोनेंशियली घट रहा था अगर उसका सोल्यूशन देखे तो, यहां पर सेकंड नहीं है, जब आपने जनरेट करना शुरू किया तो एक धीरे धीरे यहां से मूव करना शुरू हुआ, पीछे से सप्लाई करना शुरू किया तो एक टाइम आएगा, कुछ टाइम बाद यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रिकम्बिनेशन और जनरेशन मैच करेंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आप एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब यहां डेल्टा पी हो जाएगा, वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, डेल्टा पी और यहां पे घटता जाएगा क्योंकि आगे बढ़ रहा था तो रिकम्बाइन हो रहा था, घट रहा था, जो घट रहा था उसको पीछे से सप्लाई कौन कर रहा था, पीछे से सप्लाई कर रहा था जनरेशन, ठीक है, तो वो इसको मेंटेन करने की कोशिश, तो यहां डेल्टा पी और डेल्टा पी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी से घटेगा, जबकि यहां ये पर यूनिट टाइम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर हम कैरियर लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं जनरेशन रेट को तो हमें कंसंट्रेशन मिल जाता है कि नहीं, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाता, जैसे ऑप्टिकल जनरेशन में आप कहते थे जीओपी इनटू कैरियर लाइफ टाइम विल गिव यू द कंसंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो रिकम्बिनेशन रेट है, जनरेशन रेट रिकम्बिनेशन रेट जब कोइंसाइड करते हैं तो क्या करना जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रिकम्बिनेशन कितने टाइम बाद होता है, कैरियर लाइफ टाइम बाद वो रिकम्बाइन करता है, इसीलिए कैरियर लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम एक्स के टर्म में देखेंगे तो यही आप अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, कैरियर कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ एक्स क्या होगा, होल अगर यही जीएल को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कैरियर लाइफ टाइम 10^-4 सेकेंड से, तो जो प्रोफाइल बनेगी इसी को मैं मान लेता हूं क्या, पी एक्स, होल की प्रोफाइल मान लेता हूं यक्स के टर्म में पी एक्स, वो क्या बनेगी, जीएल इंटू नथिंग बट जीएल था प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ यक्स, यक्स के साथ कैसा जनरेशन हो रहा है एंड विद पर सेकंड कैसा हो रहा है, तो अगर यक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो जनरेशन रेट सबसे ज्यादा है, जीएल नॉट है इसके बराबर, यक्स इज इक्वल टू बढ़ाओगे तो ये 1 माइनस
समथिंग घट जाएगा तो जनरेशन रेट यहां पे कम होगा, यहां पे और कम होगा, यहां पे और कम होगा, तो ये घटेगा। लेकिन ये घटने का रेट मैं पहले एक्सपोनेंशियल बताता था, आप देखो लीनियर है कि नहीं। ये y is equal to mx plus c टाइप का है, जहां पे ये स्लोप इसका क्या है, निगेटिव आएगा कि नहीं। जीएल नॉट को अंदर ले जाओगे तो जीएल नॉट, तो ये बनेगा माइनस जीएल नॉट एक्स अपान एल प्लस जीएल नॉट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m ये है, m निगेटिव है, तो स्लोप क्या है, निगेटिव। तो वो मैं एक्सपोनेंशियल ले रहा था प्रैक्टिकल केस में, लेकिन यहां लीनियर है। तो आपका पी एक्स यक्स के साथ कैसा प्रोफाइल बनाएगा, टाइम क्या नहीं, कैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन x के रिस्पेक्ट में कैसा है, वो आपको पता करना पड़ेगा डिफ्यूजन करंट के लिए। वहां टाइम का रोल नहीं होगा, x के रिस्पेक्ट में स्टडी स्टेट में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक जगह अगर हायर डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह लोअर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये अगर मेंटेन है थ्रू आउट स्टडी स्टेट में, अब टाइम चाहे कुछ भी करो, जीरो पे देखो, प्लस फाइव पे देखो, टेन पे देखो, स्टडी स्टेट एक बार आ गई उसके बाद आप देखोगे तो वही प्रोफाइल जो एक्सपोनेंशियल मैंने कहा था मेंटेन रहेगी, यहां वही लीनियर प्रोफाइल मेंटेन रहेगी और करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी। लाइट लेकिन हमेशा कॉन्स्टेंटली फॉल होनी चाहिए क्योंकि वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जो ये मेंटेन है, ये चीज ध्यान से देखना, ये मेंटेन है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंट मेंटेन है। यहां पे लगातार होल यहां फ्लो हो रहे हैं, जैसे कम हो रहे हैं जनरेशन वाला इसको सप्लाई करके यहां कंसंट्रेशन को इसी रेशियो में, जो लीनियर डिक्रीजिंग रेशियो है, लीनियर डिकेइंग है, इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और ये जब तक मेंटेन रहेंगे, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि नहीं, यहां ज्यादा कंसंट्रेशन, यहां एक्सेस का कम कंसंट्रेशन, ये घट रहा है यहां और ज्यादा, तो ये ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होते रहेंगे, कम होंगे तो पीछे से सप्लाई होते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली डिफ्यूजन करंट फ्लो होती रहेगी। तो हमें एक्स के प्रोफाइल में देखना है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दो कैरियर लाइफ टाइम, ये जीएल नॉट 10 की पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा 10 की पावर 13 इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। यही एक तरह से आपका हो गया डेल्टा पी, डेल्टा पी यही हो गया डेल्टा पी, जो यहां पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो डेल्टा पी कंसंट्रेशन, एक्स बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू घटेगी, तो ये डेल्टा पी से कंसंट्रेशन घटता जाएगा। लेकिन कैसा डिके है ये, मैंने लिया था डेल्टा पी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, तो ये एक्सपोनेंशियली घट रहा था, जबकि यहां कैसे घट रहा है, एक्स के साथ एक्स की पावर वन के प्रोपोर्शनल है, तो लीनियरली घट रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कुछ नहीं होता है कहीं भी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जेपी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, डी पी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। यहां से देखो माइनस क्यू डी पी, डी पी बाई डी एक्स इसको कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा पी अपान एल आ जाएगा कि नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये डेल्टा पी अंदर जाएगा, डेल्टा पी एक्स बाई एल, तो डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट ऑर्डर, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस डेल्टा पी अपन एल बचेगा। वैसे भी ये देखो ये लीनियर है, अगर डेल्टा जो होल का प्रोफाइल है, डीके रेट है, जो यहां पे डेल्टा पी है और वो घट कैसे रहा लीनियरली, जबकि प्रैक्टिकल केस में मैंने कैसा लिया था, एक्सपोनेंशियल लिया था। तो एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते तो यहां पे कुछ एक्स का फंक्शन आता कि ई की पावर माइनस एक्स बाई एल पी का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स बाई एल पी के टर्म में आता, अपान एल पी आता, तो वहां एक्स की वैल्यू फिर रखते ई की पावर माइनस एक्स में एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे, तो अलग अलग आता, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको करंट निकालनी है जेपी एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, तो ये जेपी हो गया, जेपी आ गया करंट जेपी एट एक्स, है ना। तो ये देखो एक्स का फंक्शन आया क्या, नहीं आया, क्यों नहीं आया एक्स का फंक्शन। अब चाहे एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे जेपी एक्स पूछे, चाहे एक्स इज इक्वल टू एल पे पूछे, चाहे एक्स इज इक्वल टू पॉइंट टू एल पे पूछे, हमेशा वैल्यू माइनस क्यू डी पी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा डेल्टा पी अपान एल, जहां डेल्टा पी आपको पता है डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी इज 10^13 है, 10^13 अभी निकाला था, 10^13 पर सेंटीमीटर क्यूब है, वे है ये 13 पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि सेकंड सेकंड क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है डेल्टा, है ना। तो 1 माइनस एक्स बाई एल, तो ये एक्स के फंक्शन आया ही नहीं, जबकि यही अगर वेरिएशन मैं कहता पी एक्स ये लेते आप जो प्रैक्टिकल केस में था ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, तो डी पी बाई डी एक्स अगर निकालते तो आता डेल्टा पी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी अपान एल पी माइनस साइन के साथ। अब यही यहां इसकी वैल्यू रख देते डी पी बाई डी एक्स की, तो यहां डेल्टा पी आता अपान एल पी भी आता ई की पावर माइनस एक्स अपान एल पी, तो जो जेपी एक्स आता डिफ्यूजन करंट डेंसिटी वो एक्स का फंक्शन होता है, एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फाइव एल पे कुछ और होती करंट, एक्स इज इक्वल टू पॉइंट टू पे कुछ और, लेकिन यहां तो ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो चाहे एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पे निकालो, चाहे एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री पे, हर जगह डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ये आएगी, क्यू की वैल्यू रख दो, डी पी की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू, और यूनिट जिसमें पूछा वो ध्यान रखना।
लेंथ हर जगह सेंटीमीटर में लेना है, बाकी यूनिट क्यू की स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है, सेकंड की सेकंड लेनी, अपने आप ये एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहां से आंसर निकाल के टिक कर देना। तो हुआ क्या था देखो, यहां पे जो डेल्टा पी का प्रोफाइल था एक्स के साथ, पी एक्स का, वो लीनियर था। तो यहां पे देखो डीपी बाई डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ पी एक्स, स्लोप ऑफ पी एक्स। तो यहां पे स्लोप निकालो, यहां भी वही है क्योंकि स्लोप ये देखो यहां पे थीटा, यहां वहां भी वही है, थीटा यहां भी वही है, थीटा यहां भी वही है। तो जो dp बाई डी एक्स है, चाहे यहां निकालो x इज इक्वल टू एल बाई फोर पे, चाहे एल बाई टू पे, चाहे एल बाई थ्री पे, कहीं भी निकालो dp बाई डी एक्स सेम आ रहा है। इसीलिए करंट जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्यू dp, वेरिएबल क्या होता है dp बाई डी एक्स, वो हर जगह सेम है लीनियर वेरिएशन के केस में। इसलिए करंट हर जगह डिफ्यूजन करंट क्या आ रही है, सेम। जबकि एक्सपोनेंशियल में देखते यहां स्लोप निकालोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, देख लो इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू जीरो रखो तो स्लोप डेल्टा पी अपान एल पी आएगा, लेकिन x इज इक्वल टू यहां करोगे x इज इक्वल टू एल बाई टू पे, तो यहां एल पी बाई टू ले लो, तो यहां e की पावर माइनस पॉइंट फाइव आ जाएगा। e की पावर माइनस पॉइंट फाइव की वैल्यू लेस देन वन होगी, तो ये ओवरऑल स्लोप क्या हो जाएगा, कम, करंट घटेगी, स्लोप और आगे जाओगे और घटेगा स्लोप। ये वाले एक्सपोनेंशियल के केस में यक्स जैसे बढ़ाते जाओगे, यक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो तो ये स्लोप टेंडिंग टू जीरो, करंट जीरो हो जाएगी। या एक्स इक्वल टू एल करोगे ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन वन अपान ई, तो ये स्लोप डेल्टा पी अपान एल पी था एक्स इक्वल टू जीरो पे, हो गया एक्स इक्वल टू एल पे डेल्टा पी अपान एल पी इंटू वन बाई ई, पहले से कम हो गया कि नहीं, वन बाई ई से मल्टीप्लाई करोगे तो घटेगा। तो यहां पे स्लोप यहां मैक्सिमम है, यहां घट रहा है, तो स्लोप हर जगह वेरिएबल है, मतलब dp by dx हर जगह अलग अलग आ रहा है। तो x की अलग अलग वैल्यू पे जो jp x होगा डिफ्यूजन करंट डेंसिटी अलग अलग आएगा, लेकिन हमारा केस क्या था, लीनियर वेरिएशन का, px लीनियर फंक्शन x का है, तो dp by dx हर जगह कॉन्स्टेंट आएगा। अगर px x का फंक्शन, x की पावर वन का फंक्शन है, तो dp by dx हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। जब कॉन्स्टेंट आएगा तो x इज इक्वल टू चाहे l बाई टू पे पूछा जाए, चाहे l बाई थ्री पे, हर जगह डिफ्यूजन करंट यही आती, चाहे x इज इक्वल टू l बाई टू पूछता जाए l बाई थ्री, आंसर यहीं से आना था, वही आप पुट करके क्या कर देना, निकाल देना। तो ध्यान रखा करो चीजों का, हमें डिफ्यूजन चाहिए तो पी एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, डी पी बाई डी एक्स आएगा तभी आएगा। यहाँ टाइम भी है, टाइम कैसे हटाएंगे, यहाँ से जनरेशन करेंगे, और वो लीनियर है तो हर जगह करंट डिफ्यूजन करंट सेम आएगी, क्योंकि डी पी बाई डी एक्स हर जगह क्या आएगा, सेम, क्योंकि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी एक्स। जबकि एक्सपोनेंशियल होता तो स्लोप इनिशियली ज़्यादा है, फिर स्लोप देखो टेन थीटा कम होता जा रहा है ना कि एंगल, तो डी पी बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप है, स्लोप अगर थीटा घट रहा है तो टेन थीटा घट रहा है, तो डी पी बाई डी एक्स घटता तो करंट यहाँ डिफ्यूजन करंट एक्सपोनेंशियल के केस में यहां मैक्सिमम एक्स इक्वल टू जीरो पे, यहां और कम, यहां और कम, यहां घटते हुए, तब वहां एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे कुछ और वैल्यू, एल बाई थ्री पे कुछ और, एल बाई फोर पे कुछ और, जबकि यहां पे हर जगह एल बाई टू, एल बाई थ्री, एल बाई फोर पे सेम आएगी। तो लीनियर कोई इन चीज वेरी कर रही, कोई एक्सपोनेंशियली, कोई नॉन लीनियरली, तो कोई चीज नॉन लीनियरली अगर वेरी करे तो उसका स्लोप अलग अलग जगह अलग आएगा, और कोई चीज स्लोप पे डिपेंड कर रही है तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग जगह अलग आएगी। लेकिन कोई चीज लीनियरली वेरी कर रहा है और एक कोई चीज है जो उसके स्लोप पे डिपेंड करता है, तो लीनियर चीज जो वेरी कर रही है उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, तो उसके स्लोप पे कोई चीज अगर डिपेंड करती है तो वो हर जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी हमेशा। तो इन सब चीजों को रिलेट किया करिए, क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करिएगा ध्यान से, इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन आए मैंने कर दिया, तो यहां पर मैं बाइंड अप कर रहा हूं, इसके बाद में बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट इन, बैंड डायग्राम कैसे आता है, वो सब चीजें बताऊंगा। ये मास कैपेसिटर में भी ये चीजें बहुत रिलेट होंगी, जो आप बनाओगे यहाँ जो सिखाऊंगा वो आगे काम आएगा, तो इसको ढंग से सीखना है। ये सब क्वेश्चन अब बहुत आपको इजी लगने वाले हैं, मैंने इन डेप्थ आपको थियरी को रिलेट करके दिखाया है, थियरी तो पढ़ाया उसमें आपका दिमाग थोड़ा सा हुआ होगा हिंज, लेकिन अभी आप रिलेट करोगे तो क्वेश्चन से आप बहुत ईजिली चीजों को कर लोगे, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।